हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेकर आए हैं और ये जो नौकरी निकल रही है वो इंडियन ऑयल से हेल्पर और चपरासी की पोस्ट के लिए निकल रही है। यदि आप भी 10वीं पास हैं तो इंडियन ऑयल की इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि इंडियन ऑयल की इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे सिलेक्शन होगा, कितना वेतन आपको इस भर्ती प्रक्रिया में मिलेगा, क्योंकि यहाँ वेतन जो आपको बताई गई है, सैलरी आपको बताई है 9000 से लेके 16000 रुपए प्रति महीना, और इसके साथ इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होगी। यहाँ नो एग्जाम, सीधी भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन आ गया है। यदि आप भी रोजगार की तलाश कर रहे हैं तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। तो किस ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आपने अभी तक इस चैनल संदीप ज्ञान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी दी जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बेसिक जानकारी हिंदी में और इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी को दिखा दिया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे वैकेंसीज जो आपको इंडियन ऑयल से मिल रही है, और यहाँ वैकेंसीज जो आपको मिल रही है टाइपिस्ट कम कलर की वैकेंसी, यानी कि आपको कलर की वैकेंसीज मिल रही है, हेल्पर और जूनियर चपरासी के पदों के लिए जो है नौकरी के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि यहाँ सरकार के द्वारा ये फॉर्म निकाला गया है। और इसके साथ इसका विज्ञापन संख्या फ्रेंड्स ये रहने वाला है। यदि आप किसी भी भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहले उसका विज्ञापन जो है उसका अध्ययन आपको करना चाहिए कि ये जो भर्ती प्रक्रिया है सही है या गलत। इसके साथ फ्रेंड्स बात की जाए नेक्स्ट, तो यहां नेक्स्ट में आपको पोस्ट नेम बताई गई है कि किस पोस्ट के लिए ये भर्ती प्रक्रिया निकल रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे, यहां एक कलर की पोस्ट भी आपको मिल रही है, हेल्पर की वैकेंसीज मिल रही है यानी कि मजदूर की वैकेंसीज मिल रही है, जूनियर चपरासी की वैकेंसीज मिल रही है, ऑफिस पियोन की वैकेंसीज मिल रही है, और ये निम्न प्रकार की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। फ्रेंड्स, इस भर्ती प्रक्रिया में आपकी किसी प्रकार की एग्जाम नहीं होगी। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इस बात को बताया गया है कि आपकी एग्जाम नहीं होगी, सीधा आपका इंटरव्यू होगा और आपको इसमें डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो बड़ी खुशखबरी आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं बेरोजगार उनके लिए निकल के आ रही है। फ्रेंड्स, इसके साथ बात करेंगे आपको सैलरी क्या मिलेगी। फ्रेंड्स, यहाँ सैलरी आपकी 9000 रुपए से स्टार्ट होगी। फर्स्ट ईयर आपको 9000 रुपए मिलेंगे, इसके साथ सेकंड ईयर आपका पेमेंट बढ़ेगा, इसके साथ थर्ड ईयर आपका पेमेंट बढ़ेगा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में आपका पेमेंट बढ़ेगा, क्योंकि ये लिमिटेड जॉब जो है आपको मिल रहा है। इंडियन ऑयल का जो भी जॉब निकल रहा है वो सरकार के अधीन तो है, लेकिन यहां आपको इसमें जो सैलरी मिलेगी वो पर ईयर बढ़ेगी आपकी, यानी कि आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी पर ईयर। इसके साथ फ्रेंड बात की जाए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आपकी रहने वाली 10th पास। यदि आप 10th पास है तो इस भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपकी उम्र सीमा अधिकतम इसमें केवल यह बताई गई है कि 40 वर्ष है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ये कैसे इसमें आपका सिलेक्शन होगा हमने आपको पहले भी बता दिया है, इसमें किसी प्रकार की एग्जाम आपकी नहीं होगी। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो हम आपको एक फॉर्म देंगे या ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप भी ये फॉर्म भर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे इसमें आपका पेमेंट क्या मिल रहा। पेमेंट देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ बढ़ाया गया पेमेंट आप देख सकते हो। सर्वप्रथम बात कर रहे हैं, यहाँ दो प्रकार की वैकेंसी जो आपको मिल रही थी, प्रथम आपको कलर की वैकेंसी मिल रही थी और सेकंड वैकेंसी हेल्पर, और इसके बाद आपको पियोन की जो वैकेंसी मिल रही थी उसकी पेमेंट संबंधी जो जानकारी है वो हम आपको दे रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर आपको 11000 रुपए इस कलर की पोस्ट के लिए मिलेंगे, इसके बाद सेकंड ईयर जो आपको है पेमेंट मिलेगा 13500 रुपए, इसके साथ थर्ड ईयर आपको पेमेंट मिलेगा 16000 रुपए, इसमें आपको पेमेंट मिलेगा। ये पेमेंट पर मंथ का आपको पेमेंट इसमें दिखा रखा है। फ्रेंड्स, इसके साथ फ्रेंड बात करेंगे आपकी जो पोस्ट है हेल्पर और जूनियर पियोन की, उनके लिए आपको जो पेमेंट मिलेगा, फर्स्ट ईयर आपको 9000 रुपए मिलेगा, सेकंड ईयर जो आपको 11500, इसके साथ थर्ड ईयर में आपको 14000 रुपए प्रति महीना आपको इसमें पेमेंट मिलेगा। फ्रेंड्स, इसके साथ इसमें काफी सारी और जानकारी जो है आपको बताई गई है कि आप फॉर्म कब से कब तक भर पाएंगे। तो यहां ये फॉर्म जो है ओपन हो गया था 5 फरवरी को, 5 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गया था। अभी आप देख सकते हो ये इसका फॉर्म निकल के आ रहा है। जैसे कि बात करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप ये फॉर्म अप्लाई कर रही हो वो नाम आपको यहां लिख देना होगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो यहां कलर जो मैं यहां टाइप कर देता हूं, या यदि मैं हेल्पर के लिए अप्लाई करना चाहता हूं तो यहां हेल्पर लिख सकता हूं। इसके साथ फ्रेंड्स इसमें फिर बताएगी पर्सनल डिटेल्स जो आपको साझा करनी होती है। पर्सनल डिटेल में आपका सबसे पहले नाम जो है डिपार्टमेंट की आपको लिख देना है, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट है उसी के आधार पर आपको यहां नाम आपका लिखना है। इसके साथ फादर्स नेम, हस्बैंड नेम जो आपको देना होगा। इसके साथ फ्रेंड परमानेंट एड्रेस आपका यहां लिखा जाएगा।
तो ये फॉर्म आपको वर्क के बेस देना है फ्रेंड्स। इसके साथ आपको बताइए एज ऑन 1 जनवरी 2021, यानी कि आपकी 1 जनवरी 2021 को कितने वर्ष कितने माह के हो गए हैं वो डिटेल्स भी आपको यहां देनी होगी। इसके साथ आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट का नाम आपको यहां लिखना होगा। और इसके साथ फ्रेंड्स इसमें आप 15 नंबर तक आपको ये कंप्लीट भरना है। इसके साथ ये कॉर्नर में आपका फोटो चिपकाना है फ्रेंड्स। इसके साथ बात करेंगे वैकेंसी संबंधी डिटेल्स जो आपको फिर बताई गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहां बताई गई है। सबसे पहले बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्लर्क की ग्रेजुएशन रखी गई है। इसके साथ कंप्यूटर नॉलेज होना अनिवार्य है और इसके साथ आपके पास जो है एमएस ऑफिस का नॉलेज भी होना अनिवार्य है। इसके साथ फ्रेंड्स बात करें हेल्पर की पोस्ट के लिए 10th पास है। इसके साथ जूनियर पियोन के लिए भी 10th पास है। इसके साथ आपको फिर उम्र सीमा फ्रेंड्स बताई गई है कि 1 जनवरी 2021 को आप कम से कम 18 और अधिकतम आपकी उम्र 45 वर्ष के बीच है तो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स अब बात कर रहे हैं एप्लीकेशन जो फॉर्म आपने भरा है जो हमने आपको पहले बताया है वो पोस्ट आपको कर देनी है इस एड्रेस पे। आपको एड्रेस जो बताया गया एक असम का एड्रेस जो आपको बताया गया डिब्रूगढ़, ये असम का एड्रेस है। इस एड्रेस पे जो है आपको फॉर्म सेंड करना है फ्रेंड्स। इसके साथ ये पोस्ट जो है आपको साधारण यहाँ देख सकते हो ऑर्डिनरी स्पीड पोस्ट या कोरियर के माध्यम से जो है आप ये भेज सकते हो फ्रेंड्स। इसके साथ यदि आप ये अप्लाई करना चाहते हो तो इसकी लास्ट डेट रहेगी फ्रेंड्स 24 फरवरी। 24 फरवरी से पहले पहले ये फॉर्म आपका ऑफिस में पहुंच जाना चाहिए और इसके बाद जो फॉर्म आएंगे वो सबमिट नहीं किए जाएंगे और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही लेटेस्ट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।